पहले तो इनको मेरिट की नहीं समझ इन दोनों को, चोरों को। दूसरा, इनका अरबों डॉलर मुल्क से चोरी करके बाहर ले गए हैं, इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनके बड़े बड़े जो महलात हैं, इनके जो ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं, जिधर इनके पैसे पड़े हैं, ये उन लोगों के गुलाम हैं। ये कभी इस मुल्क की आजादी के लिए नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि जिन मुल्कों के अंदर इनके पैसे पड़े हैं उन मुल्कों के ये गुलाम इसलिए हैं कि वो जब चाहे इनको पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये बता ही नहीं सकते कि पैसा किधर से आया। अभी तक जो चार बड़े बड़े महलात इन्होंने लंदन में लिए हुए हैं, और या इसके बेटे ने 10 अरब के हसन शरीफ घर में ठहरा है, एक रसीद नहीं बता सकते कि पैसा किधर से आया। तो ये चोर सरदारी, जिसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे, जिसके ऊपर बाहर के अखबारों में मजमून आए हुए हैं इनकी चोरी पे, क्या ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्या ये सिलेक्ट करेंगे? बताओ, इनको आप देंगे सिलेक्ट करने के लिए? और फिर नवाज शरीफ मफरूर है। नवाज शरीफ झूठ बोल के मुल्क से बाहर गया, मुशर्रफ के तौर पे भी ये झूठ बोल के बाहर गया था, कहता था मैंने कोई मुआहदा नहीं किया। फिर सऊदी शहजादा आया और उसने पाकिस्तान में मुआहदा दिखाया कि इसने 10 साल का मुआहदा करके बाहर भागा था। अब फिर झूठ बोल के जी और नवाज शरीफ उसकी सेहत इतनी खराब है, फिर बाहर भाग गया। और शहबाज शरीफ ने एफिडेविट दिया था अदालत में कि ये वापस आएगा, कि बीमार है, झूठा भी है, डाकू भी है, मफरूर भी है, बुजदिल भी है। तो क्या ये आर्मी का चीफ ये सिलेक्ट करेगा? YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।